रामकृष्णात्मा का पठन अभी संगम युग कृष्ण का पठ कंबाइंड माना राजा लेखराज प्रजापिता का दोनों का अकेला या कृष्ण का पठ किसका चलता होगा? बाप दादा कंबाइंड कहे जाते हैं या अलग अलग है? बाप दादा कहते हैं तो कंबाइंड पार्ट हुआ ना, बाप भी है और दादा भी है। और बाप सिंगल बाप ही है या डबल बाप है? बाप भी बाप सब कहा जाता है, राम बाप भी राम बाप तब समझा जाता है, पहचाना जाता है जब उसमें सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करे। अगर सुप्रीम सोल बाप प्रवेश न करे तो उसको कोई पहचान भी नहीं सकता। इसलिए वो बाप बाप के रूप में पहचानने योग्य तब कहा जाए जब बाप खुद आकर के अपनी पहचान देते हैं। नहीं तो 63 जन्मों में राम वाली आत्मा थी ना, उसको किसी ने पहचाना नहीं? पहचाना किसने? पहचान दी वो सुप्रीम सोल बाप आते हैं तो खुद अपनी पहचान भी देते हैं और बच्चों की भी पहचान देते हैं। तो दोनों बाप मिलकर के एक बाप का पार्ट है, वो डबल बाप है, उनको दादा नहीं कहेंगे। परंतु उसमें जो प्रवेश होकर के पढ़ाई पढ़ने वाली आत्मा है वो बड़ा भाई है। जो भी नई सृष्टि शुरू होगी उस नई सृष्टि में पहला पत्ता कौन होगा? कृष्ण बच्चा पहला पत्ता होगा। तो पहला पत्ता माना बड़ा भाई, बड़ा भाई होने की वजह से उनको दादा कहते हैं। कहते हैं ना ज्यादा दादागिरी दिखाते हैं। ऐसे भी लौकिक परिवार में जो बड़ा भाई होता है वो छोटे भाइयों के ऊपर दादागिरी दिखाता है कि नहीं? दिखाता है, क्योंकि नियम बना हुआ है बड़ा भाई बाप समान कहा जाता है। तो इसलिए वो बाप है राम वाली आत्मा और वो दादा। भारत का अर्थ क्या बाप? भा माने रोशनी और रत माने लगी रहने वाला, जो सदैव रोशनी में लगा रहे, स्वयं भी रोशनी में रहे और दूसरों को भी रोशनी में लाता रहे। रोशनी माना ज्ञान की रोशनी, स्वयं भी ज्ञान की रोशनी में रत रहे, रत रहे माने लगा रहे, इंगेज रहे, और दूसरों को भी ज्ञान की रोशनी में लाता रहे, उसको कहेंगे भारत। अनेरा रत नहीं, क्या रत? भारत। और देश जो है वो ज्ञान की रोशनी में रहना इतना पसंद नहीं करते, धंधादोरी में ज्यादा रहते हैं। और देशों में धंधादोरी ज्यादा चलती है या ज्ञान की बातें ज्यादा चलती है? धंधादोरी बहुत चलती है। तो वो सब है अज्ञान, अंधेरा। और भारत, भारत अभी कलयुग के अंत में भी आ गया तो भी जानने की खोज में लगे रहते हैं भगवान कहाँ है, भगवान को पाने की खोज में लगे रहते हैं। भगवान से ही ज्ञान मिलता है, ज्ञान माने रोशनी, इसलिए भारत नाम बना है। ये माता जी पूछ रही है बाबा, वो क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं वो जो मर जाते हैं उसको तो जीव देते हैं, वो कैसा हो सकता है? जो मर जाते हैं उनको मिट्टी में दबा देते हैं, हैं? और हिंदुओं में जो मर जाते हैं उनको जला देते हैं। जिंदा कर देता है क्रिश्चियन, जिंदा कर देते हैं वो पूछ रहे माता जी, और जो मर जाते हैं ना बाबा उसको जिंदा कर देते हैं क्रिश्चियन खबर से उठा के उसको भगवान आते हैं ना, भगवान की बात कहो, मनुष्य थोड़ी जिंदा कर देते हैं। जीसस क्राइस्ट को जो यहाँ की बात है, जीसस क्राइस्ट की भी बात नहीं, मरे हुए को कोई जिंदा नहीं करता। ये तो यहाँ की बात है कि भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो क्रिश्चियंस की ऐसी मान्यता है कि भगवान जब आएगा तो कब्र में से जो दाखिल हुए पड़े हैं उन कब्र में से उन आत्माओं को उठा करके जिंदा करेगा।
ये अभी की बात है, संगम की बात है। भगवान जब आते हैं तो उनके आने से पहले सब कब्र दाखिल हुए पड़े, माने मिट्टी में मिल गए, मिट्टी माने देह अभिमानी की मिट्टी में सब मिले हुए, कोई भी जिंदा नहीं, सब मुर्दे हैं। क्या सब मुर्दे हैं? सारे ही देह अभिमानी की मिट्टी में दबे हुए हैं। भगवान आकर के उनको उठाता है, जिंदा करता है, कब्र में से बाहर निकालता है। तो गजरी मोहम्मद जो चुराया ना वो शिवलिंग को टूट के उसका हीरे को तो चुरा दिया, वो कब मिलेगा बाबा? वो मिलेगा नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा? दुनिया की जो चीज जहाँ से आती है वही पहुँचती है। पहुँच जाती है, कब पहुँचेगा? अभी अभी शिव बाबा विदेशी बन के पार्ट बजा रहा है कि स्वदेशी बन के पार्ट बजा रहा है? विदेशी बन के पार्ट। जो बाबा विदेशी बन के पार्ट बजा रहा है तो विदेश में हीरा होना चाहिए ना। जब स्वदेशी बन के पार्ट बजाएगा तो हीरा भी, हीरो पार्टदारी कहाँ होगा? स्वदेश में होगा। तो हीरा कौन है? हीरा अभी कौन है? हीरा कहाँ है? विदेश में है या स्वदेश में है? विदेश में है। विदेशी पार्ट बजा रहा है, विदेशी पार्ट बजा रहा है। जो विश्व का हीरो पार्टधारी है वो विदेशी है, विदेश में है? भारत में ही है। भारत में ही है? विदेशी कहाँ है? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में है? उत्तर भारत में नहीं जाता? जाता तो है। जाता तो है। तो भारतवासी है या विदेशी है? नहीं, होने की बात नहीं है, पार्ट बजाने की बात है। अगर बाप विदेशी बन करके ना आते, जैसे विदेशी दूसरे धर्म के जो लोग हैं वो एक शादी करते हैं फिर तलाक देते हैं, फिर दूसरी शादी करते हैं फिर तलाक देते हैं, फिर तीसरी शादी कर लेते हैं, एक साथ कई शादियां कर लेते हैं, तो उनको कहा जाता है मर्यादाहीन विदेशी। और भारत का राम क्या कहा जाता है? मर्यादा पुरुषोत्तम। तो बाप अभी विदेशी बन करके आए हैं, नहीं तो तुम बच्चों से मिल भी नहीं पाते। जो वैष्णव होते हैं ना, इस बात को पूरा संजय तमिल भाषा में क्लियर करो। आपने सुना ही नहीं ध्यान से। आपने सुना? हाँ सुना। बताओ। अभी बाबा बाबा सुना रे, भारतवासी बाबा विदेशी आगे वंदिरकारे, பாபா சுவேஷியா வந்துட்டு இருந்தா தும்பச்சு உங்க உங்க நீங்க சந்திக்க முடியும் ஆகுறது இல்லைன்னு சொன்னாரு. ஏன்னா பாபா விதேசியா வரணும், சுவேஷியா வந்தாருன்னா பாரதவாசிக்கு என்ன சொல்லுவார்? ராமருக்கு மரியாதை புருஷோத்தம் சொன்னார். விதேசிக்காரன் என்ன என்ன பண்ணுவாரு? ஒரு சேவா கல்யாணம் பண்ணி வர்றாரு, அது விடுவாரு, இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணுவாரு, தயார் பண்ணி பண்ணி அப்படியே இது பண்ணுவாரு. அந்த மாதிரி பாபு உங்களே சந்திக்கணும், உங்களே மேலே தூக்கணுமா இருந்தால் பாபா விதேசியாக வந்திருக்காரு. இப்போ சுவதேசி ஆனா ஆயிருந்தா கூட ஃபால்ட் அந்த மாதிரி வந்துருக்காரு. ஜோ வைஷ்ணவ பந்தி ஹோத்தே நான் வோ அப்பனே கோ பௌத் பவித்திர மானதே கிசி கோ சூனே பி நீ தேதே ஹேன் தோ உன்கோ கேதே பாரதவாசி. ஆர் ஜோ விதேசி ஹோத்தே ஹேன் வோ இன் பாதோ கி தியான் நீ ரக்தே, கோய் டச் பி கர் லே, கோய் சம்பர்க் மே ஆ ஜாயே, சம்பர்க் மே ஆ ஜாயே, வோ கேதே குச் நீ, சப் சல்தா ரஹேகா. तो बाप इस समय विदेशी बन करके आए हैं, माना विदेशी पार्ट बजा रहे, विदेशी पार्ट बजा रहे हैं। जैसे विदेशी विचार को बुरा नहीं मानते, वैसे बाप भी अनेकों के संसर्ग संपर्क में आता है, संबंध में आता है। तो विदेशी हुआ या स्वदेशी हुआ? विदेशी हुआ। बाबा अभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनता है, लेकिन वो एक सीढ़ी में मर्यादा पुरुषोत्तम सीता बनता है, वैसा भी हिसाब लगाओ। सतयुग में 9 जन्म और त्रेता में 12 जन्म, एक जन्म में स्त्री एक जन्म में पुरुष। तो सीता वाली आत्मा जो इस समय स्त्री है वो स्त्री के बाद फिर पुरुष बनेगी, फिर स्त्री फिर पुरुष फिर स्त्री फिर पुरुष,
तो त्रेता के पहले जन्म में क्या बनेगी? राम बनेगी। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम कह दिया। त्रेता वाले राम की बात थोड़ा ही है, त्रेता वाला राम वो तो सीता वाली आत्मा है, वो अभी भी मर्यादा पुरुषोत्तम है। सीता वाली आत्मा मर्यादा पुरुषोत्तम है या शिव बाप जिस मुकर रथ में प्रवेश करते हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम है? शिव बाप किसके शिव बाप जिस रथ में प्रवेश किया है वो मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा माने एक में मर्यादा, एक स्त्री व्रतधारी तो जो सीता का पार्ट है, अब्बल नंबर सीता वैष्णवी का पार्ट है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। एक के साथ संग, अनेकों के साथ संग में नहीं आ सकती, टच भी नहीं कर सकती। तो वो तो त्रेता में राम बने, अब वो त्रेता में राम बने हाँ, तो अभी तो उसका राम तो राम नहीं है ना, तो अभी तो वो अभी वो पार्ट तो बजा रही है मर्यादा पुरुषोत्तम का। मर्यादा पुरुषोत्तम शास्त्रों में जो यादगार है मर्यादा पुरुषोत्तम पने की, वो किसकी यादगार है? उसी की यादगार है। माता जी पूछ रहे शिव बाप जिसमें प्रवेश करता है वो अगर मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाए तो बच्चों का पावन बना में कैसे होगा? संग के रंग से ही दुनिया पतित बनती है, संग के रंग से ही पतित से पावन बनती है, अनेकों की संग के रंग से पतित बनती है और एक के संग के रंग से पावन बनती है। ये माता जी पूछते हैं सीता का जैसा कोई नहीं आ सकते क्या? सीता का जैसा कोई नहीं आ सकते क्या? अरे कोई भी 500-700 करोड़ पार्टधारी है उनमें से एक भी पार्टधारी ऐसा निकाल दो जिसके जैसा दूसरा कोई पार्ट बजाने वाला हो, तो वैरायटी झार है। वैरायटी झार में एक न मिले दूसरे, एक का पार्ट दूसरे से मिल ही नहीं सकता। अरे तो बाबा है ना सुना रहे हैं क्या बारे में बोलेंगे? पुरुषोत्तम जो लोग लिया बाबा मर्यादा पुरुषोत्तम जब है कि गौरी सीढ़ी लेना शुरू करा सीधे इसलिए चार कि राम और नरे आदि उपरी राम और नरे कहते हैं और इकराम बाबा इसना बस सीधे उम्बो जन्म सत्य बच्चन वाले उम्बो जन्म का सेता है बच्चन पन्न जन्म उर्क अब और जन्म आन और जन्म पे அந்த மாதிரி வந்து திரேதாயுகம் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்மம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஆண் ஜென்மம். அது யாரும் வந்து இப்போ வைஷ்ணவியா இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க அப்போ ஆண் ஜென்மம் இருக்கா, அவங்களாம் மரியாதா புருஷோத்தம். ராமர்ங்கிறது இவர் இல்லை, இவர் வந்து மரியாதா புருஷோத்தம் இல்லை. ஏன்னா மரியாதா புருஷோத்தமா இருந்தாக்க எல்லாரையும் நம்மளாலையும் திருத்த முடியாது, எல்லாருக்கும் இது சொல்ல முடியாது. அதனால இவரை சொல்லல வைஷ்ணவி தான் சொல்ற மரியாதா புருஷோத்தம். இப்போ திரேதாயுகத்துல வந்து ராமரா வர்றது ஒரு ஜென்மம் ஆண் ஒரு ஜென்மம் பெண், அது மாறி மாறி வருது இல்லையா? ஆணும் பெண் வந்து மாறி மாறி வருது, ஒரே இதுல வருது இல்ல. ஒரு ஒரு ஜென்மம் ஆணும் ஒரு ஜென்மம் பெண் வரும் மாறுது. சொன்னீங்க அந்த ராமாயண மகாபாரத கதை வந்து இந்த சங்கமிகுத்தனுடைய விஷயம் சொல்றாங்க. ஆமா, அப்ப அந்த சத்ய நாராயணன் கதைங்கிற உலகில் ரீதியா பார்க்கும்போது எந்த கதைங்க? ஹரிச்சந்திர சச்சி கதா கரெக்ட் பூச்ச ரீ சத்ய ஹரிச்சந்திர கி கதா கஹோ சத்ய நாராயண கி கதா கஹோ பாத் தோ ஏக ஹி ஹை. सत्य हरिश्चंद्र का राज्य भी सत्य को माना जाता है। सत्य हरिश्चंद्र कहते हैं सत्य को राज्य करता था, राज्य और सत्यनारायण की कथा भी सत्य की कथा है। सत्यनारायण संघ में सत्यनारायण का है जो सत्यनारायण कहता है सत्य हरिश्चंद्र कहता है, दो भी एक ही करके पूछ रहे एक ही कथा है और एक कथे था सुन लो सत्य सत्य सत्यनारायण सत्य हरिश्चंद्र बाबा। शिव बाबा तो करणहार नहीं है, शिव बाबा करणहार नहीं है ऐसे नहीं कहते। शिव बाबा करणहार भी है करावनहार भी है, शिव बाप करणहार नहीं। मगर वो तो ब्रह्मा के द्वारा जो
करता करता है करता है ना हार करण हार है जो करण हार है तो करने वाले को करण हार करके दिखाया ब्रह्मा ने बच्चों से एक्सपेक्ट आशा नहीं की कि बच्चे भी अच्छा काम करके दिखाएं बच्चे चाहे जैसे चाहे जो कुछ करें लेकिन बाबा ने बच्चों को नहीं देखा बाबा का लक्ष्य था हम करके दिखा दें उसको कहते हैं गुणग्राही है ना पार्ट है ना बाबा क्या बताया वो बताइए तमिल में करके पूछ रहा है जब तक बाबा पूरा कर दे बाद में बोला இவருக்குள்ள ब्रह्मा द्वारा करणहार फिर जो अगला पार्ट बजाते हैं वो करे या न करे हाँ खुद कोई कोई पकड़े आप ऐसा क्यों नहीं करते तो वो करावनहार का पार्ट है ये जरूरी नहीं खुद करे या न करे इसलिए भक्ति मार्ग में गायन चलता है कि गुरु जो कुछ करता है सो नहीं करना है गुरु लेकिन गुरु जो कहता है उसको करना है गुरु अब भक्ति मार्ग शिव बाबा का जो पार्ट है सदगुरु का वो ऐसा ही पार्ट है वो करावनहार का पार्ट है करणहार का पार्ट नहीं है लेकिन ब्रह्मा के द्वारा जो पार्ट बजाया करावनहार नहीं है करणहार है करके दिखाया बच्चे करे या न करे वो किसने किया शिव ने किया या तो ब्रह्मा ने किया शिव की तो बात हो रही है करण करावनहार कौन है शिव जो बाबा शिव नहीं शिव बाबा शिव बिंदी का नाम है शिव बाप जब कहेंगे तो कहेंगे बिंदी और शिव बाबा कहेंगे तो बाबा माने साकार निराकार शिव माने निराकार निराकार और साकार का मेल माना शिव बाबा बाबा वाणी में बाबा बोलते हैं ज्ञानी तो आत्मा मुझे बहुत प्रिय बोलते हैं लेकिन योगी तो आत्मा मुझे बहुत प्रिय क्यों नहीं बोलते हैं क्योंकि जिसको ज्ञान होगा वो ही तो याद करेगा अच्छा बाप कहते हैं दुनिया में लोग तो बहुत हैं जो भगवान भगवान गॉड फादर अल्लाह अल्लाह करते हैं लेकिन तुम बच्चे मेरे को पहचानते हो ये सिफ्त दुनिया वालों में नहीं है तुम्हारे अंदर ये सिफ्त है ये विशेषता मैं तुम में देखता हूँ और कोई गुण देखता हूँ या नहीं देखता हूँ कौन सा गुण देखता हूँ तुमने बाप को जाना है माने ज्ञान है इसलिए ज्ञानी बच्चों को मैं प्यार करता हूँ हाँ ज्ञानी मुझे प्रिय लगते हैं जिन्होंने जाना ही नहीं तो याद क्या करेंगे इसलिए बोला ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय कल तो ये भाई का तो क्वेश्चन था वो मुस्लिम गुरु लोग है ना वो मिलिट्री को रखते हैं विनाश कार्य ज्यादा करते हैं इसका बेहद का अर्थ क्या बाबा जो मुसलमान गुरु होते हैं वो तो मिलिट्री को रखते हैं ना मिलिट्री को रखे वो बहुत तो विनाश कार्य करते हैं जो जो वो एक तरह के बादशाह बन के बैठते हैं तो वो लोग बादशाह मारे उकार रहे बादशाह के पास तो मिलिट्री होती है ना बादशाह फोर्स होता है ना तो वो यादगार कहाँ की है नहीं दूसरा कोई नहीं रखते लेकिन वो ही मिलिट्री को रखते इतना ज्यादा काम कर यहाँ की यादगार है संगम युग में भी तुम बच्चे रूहानी मिलिट्री हो कैसे रूहानी मिलिट्री ऐसी वैसी मिलिट्री रूहानी नहीं अंडरग्राउंड रूहानी मिलिट्री जैसे कलकत्ते में अंडरग्राउंड रूहानी मिलिट्री रहती है ऊपर से पता ही नहीं चलता खेती होती है लोग आते हैं जाते हैं बैठते हैं मकान बनाते हैं कुछ पता ही नहीं लगता और अंदर अंदर मिलिट्री भरी पड़ी तो ऐसे ही तुम बच्चे हो अंडरग्राउंड रूहानी मिलिट्री वेल नोन बट अननोन
दुनिया तुमको नहीं जानती लेकिन तुम बहुत विश्वविख्यात हो मिलिट्री हो और मिलिट्री कैसी मिलिट्री जब सदगुरु का पार्ट डिक्लेयर होता है सदगुरु पार्ट डिक्लेयर तब वो मिलिट्री मिलिट्री वेड़ी पड़े अभी गुप्त है तो मुसलमान में भी ऐसे होता है बाबा ये माता जी क्या पूछ रही है अभी बाप का सम्मुख बैठ के भाषा नहीं जानते ऐसा बैठने से भी वो भी हिसाब किताब हो जाएगा वो भी हिसाब किताब है करके पूछ रही है भाषा नहीं जानते वो भी हिसाब किताब है क्या मुख की चीज है कान से सुनने की चीज है कादल के कुड़ियों पुरना गए रखे लेकिन वाइब्रेशन तो वो कान नहीं है वो भी कैच करता है जिसको मुख नहीं है जीव नहीं है जीव नहीं बोलती है वो भी वाइब्रेशन कैच कर लेता है कान नहीं है मुख नहीं है तो क्या हुआ आँख तो है आँख है कि नहीं तो आँख से तो वाइब्रेशन कैच हो रहे हैं ना अपना पराया आँख भी तो समझती है ना इसने है और ईर्ष्या की दृष्टि आंख पहचान लेती है ना ये हिसाब किताब नहीं हुआ रामायण में तो रावण को रावण को राम को राम रावण रावण को तो शिव भक्त करके दिखाया है इसका मतलब क्या है करके पूछ रही है रावण तो देवीचारी भक्त है शिव की पूजा करता है देवियों की भी पूजा करता है वो एक को मानता है क्या गंगा गए गंगानाथ यमुना गए यमुनानाथ तो ये कोई प्यार हुआ बाप कौन सा प्यार चाहते हैं एक शिव बाबा कोई बाबा अभी तमिल वाला तो तमिल वर्ष प्रभु मनाते हैं बाद में तेलुगु वाला तेलुगु वर्ष प्रभु मनाते हैं लेकिन जनवरी एक आज आज का दिन लेकिन दुनिया पूरा में कैसे मना सकते हैं बाबा ये तो क्रिश्चियन न्यू ईयर तमिल लोग का न्यू ईयर अलग रहता है फिर अभी जनवरी फर्स्ट है ना ये न्यू ईयर क्योंकि आज की जो दुनिया है उसमें संख्या संसार में कौन से धर्म वालों की ज्यादा है क्रिश्चियंस की संख्या ज्यादा है सारी दुनिया में क्रिश्चियंस फैले हुए एक टाइम ऐसा भी था कि क्रिश्चियंस का राज्य सारी दुनिया में कहीं सूरज डूबता ही नहीं था साम्राज्य इतना फैल गया इतना क्रिश्चियंस का राज्य फैला हुआ था तब से ये प्रभाव हो गया यथा राजा तथा प्रजा सारी दुनिया ने उस संबत को अपना लिया कौन सा संबत क्रिश्चियन संबत तमिल संबत सिर्फ तमिलनाडु में ही है तेलुगु संबत सिर्फ आंध्र में ही है नहीं तेलुगु युगादी मनाते है ना वही अलग ही होता है आंध्र प्रदेश वाले मनाते हैं मोस्टली लेकिन नहीं बाबा विक्रम संवत जो है जहाँ जहाँ तेलुगु वाला सभी वही बात और विक्रम संवत जो है वो सिर्फ विक्रमादित्य के शासन से ही चला विक्रम संवत है हिंदू लोग ही मानते हैं जब विक्रमादित्य हुआ उसके बाद से विक्रम संवत शुरू हुआ तो वो हिंदू लोग ही मनाते हैं लेकिन क्रिश्चियन सम्मत सारी दुनिया मनाती है क्यों इनका प्रभाव वो ऐसा टाइम हुआ है कि जब क्रिश्चियंस का सारी दुनिया में प्रभाव हो गया अभी भी क्रिश्चियंस की संख्या सबसे जाती है धूमधाम मचाते हैं ना बाबा अभी दुनिया में सबसे जाती जनसंख्या किसकी है पॉपुलेशन क्रिश्चियंस की है इसलिए बाबा भी कहते हैं अंग्रेजी इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है वो माननी चाहिए सारी दुनिया में भाषा फैली हुई है उस भाषा को अगर हम तिरस्कार कर देंगे छोड़ देंगे तो बाबा का ज्ञान सारी दुनिया में फैलेगा नहीं इसलिए बाबा भी
प्रेफरेंस देते हैं इंग्लिश को। राम बाप तुलसीदास रामवाली आत्मा तो क्या क्या बोला शिवाजी पृथ्वीराज शिवाजी तुलसीदास तीन पार्ट में आते हैं और भी कुछ भी पार्ट है उसका राम का करते हैं। राम वाली आत्मा तो बाप है तो बाप के पहले पार्ट खोलेंगे या अम्मा के पहले पार्ट खोलेंगे या बड़े बच्चों के पहले पार्ट खोलेंगे या और बच्चों के पार्ट पहले खोलेंगे बाप के पार्ट खोलेंगे अपा पार्ट तो ओपन आगे बाप के 84 जन्म खोलेंगे तो उन 84 जन्मों के आधार पर बच्चों के आधार पार्ट खुल जाएंगे कुछ पार्ट ओपन आगे आत्मा जो है वो सब धर्म की राजा ही स्थापन करती है। राम वाली आत्मा तो एला धर्म राज्य स्थापना पड़ रहा है। भारत में मुगल राज्य की स्थापना किसने की? भारत का मुगल राज्य मतलब यहाँ स्थापना पड़ना शिवाजी बाबर कैसे साबित होता है कि बाबर जो है वो राम वाली आत्मा है? बाबर अभी सोलमुड़े राम वाली आत्मा का लेटर हाँ राम वाली आत्मा बहुत तीव्र पुरुषार्थी आत्मा तीव्र पुरुषार्थी है ना आत्मा वैरंकर वो तीव्र पुरुषार्थ के संस्कार जो संगम युग में भरे हैं वो वहाँ भी कलयुग तक भी पहुँचते हैं। संगम कलते अद कलयुग कलयुग में भी वो आत्मा मुगलों में जब पैदा होती है मुसलमानों में जब पैदा होती है तो ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करती है कि सिपाही से सम्राट बन जाती है। सिपाही सम्राट आगे आ रहा है। क्रिश्चियनिटी बाबा क्रिश्चियनिटी हाँ क्रिश्चियन का भी है। कितने वो हुए है ईस्ट इंडिया कंपनी में आज का दुनिया में तो दुनिया भरपूर ज्योतिष पड़े हैं ज्योतिषी लोग हाँ। वो लोगों को बहुत लोग मान्यता हाँ। करते हैं हाँ। बाद में वो लोग अंत में तो बाप को तो पहचान दे सकते हैं दूसरों हाँ। को हाँ देंगे देंगे बाबा प्रत्यक्ष करा सकते हैं देंगे वो अपने ज्योतिष के गणित के आधार पर बाप की प्रत्यक्षता करेंगे। वो कैसा होते है बाबा अंत में कैसा पहचानते बाबा कैसे पहचानते ये क्या बात है नहीं बाबा वो अंत में दुनिया के जितने भी विषय है सब्जेक्ट्स हैं वो सभी सब्जेक्ट्स के आधार पर बाप की प्रत्यक्षता होगी। साइंस वाले साइंस के आधार पर बाप की प्रत्यक्षता करेंगे ज्योग्राफी वाले ज्योग्राफी के आधार पर प्रत्यक्षता करेंगे जो हिस्टोरियंस हैं वो हिस्ट्री के आधार पर बाप की प्रत्यक्षता करेंगे जो ज्योतिषी हैं वो ज्योतिष नौ ग्रहों के आधार पर बाप की प्रत्यक्षता करेंगे। नौ ग्रहों में बाप तो वही है जो नवरत्नों में है वही तो सारे स्वभाव संस्कार हैं और तो कुछ नई बात नहीं बताते तो ज्योतिषी तो लोग तो और ज्यादा प्रत्यक्ष करेंगे उन लोगों को सभी उनको मान लेंगे ज्योतिषी लोगों को ज्योतिषी लोगों को मान लेंगे वो बातें ऐसे है जो नहीं तो वो लोग बाप का सम्मुख आ सकते हैं जो जिसकी पूजा करने वाले हैं वो उसी को मानेंगे जो ज्योतिषियों को मानने वाले हैं वो ज्योतिषियों की पूजा करने वाले जो बाप को मानने वाले हैं वो बाप के कहने से मानेंगे और जो बाप के है फॉलोअर्स नहीं है सूर्यवंशी पक्के नहीं है तो वो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक इनके कहने से मानेंगे। योगी माना वो भूत प्रतन से योगी अपने आप को बचा सकते हैं बाबा नहीं वो शरीर छोड़ देते हैं है? नहीं तो शरीर छोड़ देती वो कौन वो जो भूत प्रवेश करते हैं ना हाँ। वो अपने आप को बचा सकते योग से नहीं तो वो शरीर छोड़ देते हैं। भूत प्रेत प्रवेश ही उसमें करते हैं जो आत्म की स्थिति में नहीं स्थिर हो पाता है देहवान में ज्यादा रहता है
जो ज्यादा देहभान वाला होगा उसी में भूत प्रेत प्रवेश करेंगे। जो आत्म की स्थिति वाला होगा, अपने को स्टार आत्मा याद करता होगा, जब चाहे तो स्टार आत्मा में स्थिर हो जाए, तो उसमें सूक्ष्म शरीर को प्रवेश करने की दरकार नहीं, सूक्ष्म शरीर को प्रवेश करने की ताकत ही नहीं है, जो बीज में प्रवेश कर जाए। सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर ज्यादा सूक्ष्म है या बिंदु ज्यादा सूक्ष्म है? बिंदु बिंदु ज्यादा सूक्ष्म है। सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है या सूक्ष्म शरीर में ज्यादा ताकत होती है या स्थूल शरीर में ज्यादा ताकत होती है? सूक्ष्म शरीर जो है वो स्थूल शरीर से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन सूक्ष्म शरीर से भी ज्यादा ताकतवर है बिंदु आत्मा। इसलिए बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो, बिंदु रूप में समझो। जो ये प्रैक्टिस जितनी गहरी करेंगे उनमें आगे चल करके ढेर की ढेर अकाले मौत होने वाली है। भूकंप होगा तो सारी इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग सारी गिरेंगी, कितने मरेंगे? सभी लोग मरेंगे तो लोग भूत प्रेत बनेंगे। वो भूत प्रेत कहाँ से उनकी मुक्ति जीवन मुक्ति होगी? अरे उनकी मुक्ति जीवन मुक्ति होगी कि नहीं? तो ब्रह्मा बाबा ने सूक्ष्म शरीर धारण किया, उनकी मुक्ति होगी कि नहीं? ब्रह्मा बाबा की मुक्ति होगी नहीं? नहीं, लास्ट में होगी। कैसे होगी? अंत में। कहाँ से पढ़ाई पढ़ेंगे? प्रवेश करके पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना। तो ऐसे ही इतनी ढेर आत्माएं अकाल मौत में मरेंगी, वो सब सूक्ष्म शरीर धारण करेंगी। इन सूक्ष्म शरीर धारण करने वाली आत्माओं की मुक्ति कहाँ होगी, कैसे होगी? सब प्रवेश करेंगे, लेकिन किसमें प्रवेश करेंगे? सबका अपना अपना घोड़ा निश्चित होगा ना। जो असल सूर्यवंशी होंगे उनमें उनका प्रवेश नहीं होगा। उनमें सिर्फ चंद्रवंशी ही प्रवेश कर सकते हैं, दूसरे धर्म के प्रवेश नहीं कर सकते। सूक्ष्म शक्ति को आंखों से देख सकते करके वो सूक्ष्म है ना बाबा, सूक्ष्म शक्ति उसको आंखों में देख सकते करके सूक्ष्म शरीर को, शरीर को इन आंखों से देख सकते हैं। ये पूछ रही जो उस धर्म के होंगे उनको दिखाई देगी यार, हिंदू धर्म उनको दिखाई देगी, हमको दिखाई नहीं देगी। ये पूछ रही, वो कोई कोई बोलते ना वो तो राक्षस कुछ कुछ साउंड सोने से है, वो पायल का तो साउंड के एक सोने के टाइम या कुछ साउंड आता है ना, आवाज आता है, फिर कोई देखा ऐसा बताता है नहीं उसको? तो ये क्या पूछ रहे, आवाज आने का शक्ति वो सूक्ष्म पाई करके पूछ रहे माता जी। वो सूक्ष्म शरीर जो है बाबा, वो सामर्थ करने का शक्ति होती है, कुछ कुछ सुनाते ही करके बोलते हैं ना। वो सबको नहीं सुनाई पड़ता। अच्छा, वो सबको नहीं दिखाई पड़ता। किनको दिखाई पड़ेगा? भय का भूत। जो भयभीत होने वाले हैं, जो आत्मिक स्थिति में टिकने वाले नहीं है, देह अभिमान वाले हैं, उन्हीं को भय पैदा होता है। और उनको सुनाई पड़ता है, उनका केक मां இல்ல மூத்த பிரேத்தம் வந்து சவுண்ட் பண்ணது கொலுசுதத்தன் கேக்குறது இப்படி எல்லாம் சொல்றாங்க இல்லையா, அது வந்து பாபா என்ன சொல்லி யாரும் அந்த மாதிரி பயந்தா கோழி அந்த மூத்த பிரேத்தத்துக்கு பயம் இருக்கு அவங்களுக்கு தான் அதெல்லாம் கேட்குமான்னு பாபா சொல்றாங்க. ஆத்மீக ஸ்திதியில இருக்கிறவங்களுக்கு கேக்குறது இல்ல, தேக உணர்வு இருக்கவங்களுக்கு தான் கேட்குமான பாபா சொல்றாங்க. அது பூர்வ ஜன்மத்தோட நினைவு வந்துட்டு இருக்கோம் பாபா சொல்றாங்க. गोपियों के बारे में बताया, जो जिसने जो गुप्त संबंध किया है उसको गोपियां कहते हैं। गुप्त संबंध है बाप के साथ जोड़ा है उसको गुप्त संबंध उनको याद आता है। गुप्त संबंध के आधार पर योगी बने तो वो 16,000 की संख्या है। वो संख्या है बटरानी जो जो अपना जो में चढ़ती है, प्राप्त करती है भगवान के बहुत नजदीक में पहुँचती है, लेकिन फिर गिर जाता कोई न कोई देवान आ जाता है गिर जाता है। मगर ये 100 रानियां है ना, 100 रानियां ये किस कैटेगरी है? ये पटरानियों से नीची कैटेगरी है। तो इनका जो कैरेक्टर क्या होता है?
जैसे 100 राजाओं का करैक्टर है, ऐसे 100 रानियों का करैक्टर। 100 राजाओं का क्या करैक्टर? 108 राजा हैं। 108 में 8 तो हो गए टॉप पोस्ट, बाकी बचे 100। तो जो उनका करैक्टर है पूरी सुनने जैसा उनकी रानियों का करैक्टर है। इन लोगों ने गुप्त संबंध जोड़ा, इनको गोपी नाम है। पटरानी जो गिर गए, तो गोपी की बात नहीं है। हाँ, नहीं। गोप और गोपी दोनों मिला के 16,000 एक साथ। ऐसे ही पटरानी जो गिर गए, हाँ। ऐसे ये जो रानी है ना, हाँ। उसका बारे में मैं पूछ रहा हूँ। बहुत ऊंचा पुरुषार्थ, पटरानी के बारे में मैं जानता हूँ। जो रानिया बहुत ऊंचा पुरुषार्थ नहीं, इतना ऊंचा पुरुषार्थ नहीं किया जो सबकी नजरों में आ जाए। क्या सबकी नजरों में रानी करके, हाँ, सबकी नजरों में आ जाए, सबकी नजरों में ऊंचे उठ जाए, ऐसा नहीं। लेकिन मीडियम किया, न बहुत ऊंचा किया, महारानी जैसा भी नहीं किया, पटरानी जैसा भी नहीं किया, लेकिन मीडियम पुरुषार्थ किया। बाबा ये भूत प्रेत के लिए अलग दुनिया है क्या? सूक्ष्म बता, सूक्ष्म लोग बाबा, ये माता जी पूछ रही है कि हम जो गलत कर देते हैं ना, वो गलत जो करते हैं उनका लिस्ट सामने आता है करके बोलते है। जो ऐसा लिस्ट हमारा सामने आएगा गलत का, नहीं तो दूसरा वो गलत हमको समझा के हम बदलेंगे करके पूछ रही है। जो गलत है वो बदलेगा नहीं? बदलेगा तो जरूर, खंडिता मारो। अगर गलत किया हुआ बदलेगा नहीं तो ये दुनिया बदलेगी? अपन तो एपड़ी उलग मंदु मारो मुड़ियो, हमारी दुनिया बदलेगी कि नहीं बदलेगी? हमारी दुनिया बदलेगी तो हमने जो गलत किया है वो भी बदलेगा। धर्मराज सजा देने से पहले दिखाएगा, साक्षात्कार कराएगा, तुमने ये पाप किया, पाप किया फिर बताया नहीं ना। अपन तो नहीं होते अनुभवी सुलवांगा कोर्ट में भी, कोर्ट में पूरा जब तक सजा नहीं देते हैं जब तक साबित न हो जाए। आपको तो प्रूफ आगर दिल है, प्रूफ आगर, प्रूफ पकड़ करके सजा देते हैं। नहीं बाबा, वो सजा खाने से पहले दूसरों से वो समझाने से वो बदल सकते करके ये पूछती है। और बदल नहीं सकती है तो दुनिया चेंज कैसे होती? मार भी लेना तो उलग मंदी एपड़ी चेंज आगे बोले बाबा कह करेंगे। जो हम बदले जो दुनिया बदलते हैं, बदलने से दुनिया बदलते हैं। हम बदलने से हमारी दुनिया बदलती है। हम स्टार हैं, भक्ति मार्ग कहते हैं हर एक स्टार में एक एक दुनिया है। दुनिया है क्या? तो उन स्टार में दुनिया नहीं है, ये आत्मा रूपी जो स्टार्स हैं, इनके जो 84 जन्म होते हैं, उन 84 जन्मों में पता नहीं कितनी कितनी आत्माओं के संसर्ग संपर्क में आए हैं। तो उन 84 जन्मों में जितने भी आत्माओं के संसर्ग संपर्क में आए हैं वो सब हमारी दुनिया होगी। अनुवाद कर दुनिया है जन्म 84 जन्म और जन्म के इतना पेरोड सेंध वरो बाबा, जब हम एडवांस पार्टी में आ जाते हैं तब हम अमरनाथ का बच्चा बन जाते हैं। जो अमरनाथ का बच्चा बने थे तो मरते नहीं ना, तो कल्याण अकल्याण उसको कुछ भी होने दो, वो आज फेल कुछ भी होने दो, वो उसका हिसाब है कैसा बाबा? तो अगर तो पूरा निश्चय बैठे ना, जिसको पूरा निश्चय बैठेगा वो फिर श्रीमत की बरखिलाफी करेगा नहीं करेगा? फिर श्रीमत की बरखिलाफी कर रहा है, इसका मतलब निश्चय नहीं बैठा है। तो जो मरते उसको ऐसा सुनो श्रीमत के बरखिलाफ कोई काम जरूर श्रीमत की बरखिलाफी करने वाले हैं। वो कैसा समझ में आता है बाबा? अरे कोई बात कहे कि ऐसा नहीं करो और वो करे तो समझ नहीं आएगा। आएगा।
அமர்நாத்தோட குழந்தைகள் நம்ம சரீர் தொடலாமா அப்படின்னு கேட்டாங்க. பாபா எடுத்துலாம் பாபா என்ன ஸ்ரீமத் கொடுத்தாரு அது பிரகாரம் நம்ம நடக்கணும், அது பிரகாரம் நடக்கலன்னா சரீரத்தை விட வேண்டி வரும். அவர் சொன்னது என்னவோ அது போல நடக்கலன்னா கல்யாணமா அக்கல்யாணமா அவங்க வந்து இறந்துடுறாங்க. சில பேர் ஹார்ட் ஃபெயில் இறந்துடுறாங்க, எப்படி ஒன்னும் அப்பா குழந்தைகிட்டும் அட்வான்ஸ் பார்ட்டிக்கு வந்து கூட இறந்துடுறாங்க. அந்த மாதிரிவங்களும் ஏன் இறக்குறாங்க சொல்றதுக்கு பாபா என்ன சொல்லுங்க, அவங்க வந்து ஸ்ரீமத் வந்து கரெக்டா ஃபாலோ பண்றது இல்ல. ஆமா சொன்ன பேச கேக்குறது இல்ல, அடி யமராஜன் கிட்ட தண்டனை இல்ல. ராமாயணம் மகாபாரத கதையின் மாதிரி பாகவதம் வந்து இந்த சங்கமிகளுடைய விஷயம் தான். பாகவதம் இந்த சங்கமிகள விஷயம் கேக்குறீங்களா? பாகவதம் ஓ ராமாயண மகாபாரத ஜெயசா ஓ பாகவத் போலத்தை ஓ கிதர் கா கதா கேட்க போறீங்க. பாக நீ நீங்க வந்து நம்ம விட்டுட்டு விட்டுட்டு ஓடுறோம் இல்லையா, பக்னா மீன்ஸ் ஓடுறது, ஓடுறோம் இல்லையான்னு பாபா சொல்றாங்க. கர்வாலி லோக் மனா கர்த்தே ரேத்தே, வீட்டுல வந்து வேண்டாம்னு சொல்றாங்க. பத்தி ஒரு பச்சை மனா கர்த்தே ரேத்தே, குழந்தைகளோ பெரிய பாபா ஜாத்தே, அப்போ வந்து மீண்டும் வந்து ஓடி வராங்க, அப்பா கிட்ட ஓடி வரோம் இல்லையா, அதான் பாபா. ஆமா சில பேர் கண்ட்ரோல் வேண்டாம் பாபா கிளாஸ் தே போறேன்னு சொல்றாங்க, ஓடி வரோம் இல்லையா, அதுதான் பாகவதம். கோபி கிருஷ்ண அவதார கதா உஸ்கா ஈக்குவல் ஏ கர்க்கே பூச் ரஹே. கோன் சி கிருஷ்ண அவதார? ஓ கிருஷ்ண யஹான் கி யாத்கார் ஹை கி கோய் தூஸ்ரா கிருஷ்ண? இந்த நினைவு சின்னமா இல்ல வேற கிருஷ்ணனா பாபா கேக்குறாங்க. இங்கேயோட எல்லாமே சங்கம யுகத்துல ஷூட்டிங் தான். बाबा भक्ति में तो भगवान को तो इतना डरते करते, लेकिन बाप का बच्चा है वो भाई बार बार पूछते, भगवान का बच्चा होकर भगवान सामने सम्मुख में बैठ कर भी बदलते नहीं, इसका तो कारण क्या है बाबा? ये भगवान अपने को गुप्त रखता है, साधारण तन में आता है। मुझे साधारण तन में आए हुए बाप को भगवान को मूढ़मति लोग नहीं पहचान पाते, तो हम सब क्या है, मूढ़मति है या बुद्धिमान है? क्या है बुद्धिमान? तो बनाने के लिए तो आते हैं ना, आते हैं बुद्धिमान बाप, बुद्धिमान बनाने के लिए आते हैं, लेकिन तुरंत बुद्धिमान बनाते हैं या उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है? पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो बिंदु रूप बने, आत्मा बने, तभी तो पुरुषार्थ पूरा होगा। देवान छोड़ना कोई मासिक घर है क्या? नहीं, हथेली पे हम जमाया जा सकता है, टाइम लगेगा ना? लगेगा। माया बेटी तो कम कराती है ना बाबा, अभी आज का वाणी में वही बोला ना, माया बेटी अच्छा घुमाती है करके। बाबा ये माता जी पुत्र माया बेटी ना हमारा अंदर ही ले, माया बेटी होती है ना वो हमारा अंदर ही नहीं, तो उसके लिए एक बेटी ही करके पूछ रही थी। माया बेटी करके एक बेटी करके माया माया अंतर पड़ी अभी सर्वशक्ति मान सर्वशक्ति क्या बोलती है तो ये माया ही बोल के ये हो जाता है वो क्या माया का मतलब ये है कि भगवान जो श्रीमत देते हैं उस श्रीमत पर चलने के लिए एक तरफ भगवान का भगवान को मानने वाले बच्चे हैं उनको कहेंगे भगवान का असर उनके ऊपर पड़ा, दूसरी तरफ भगवान की बात न मानने वाले बच्चे तो जो न मानने वाले हैं वो माया के प्रभाव में हैं। माया कहती है ये भगवान नहीं है, मेरी बात मानो। भगवान कहता है नहीं ये तुम्हारे अंदर माया है, छोड़ो हमारी बात मानो। तो राम रावण की रस्सा कसी होगी, राम अपनी तरफ खींचता है, रावण अपनी तरफ खींचता है।
भाई कुछ कह रहा था, ये भाई कुछ कह रहा था, वही उसी का आंसर अभी आप भगवान लेके आपको जो देते हैं ना फल, वो कैसा देंगे, इसका अलग देंगे, इसका अलग देंगे, इसका कैसा देंगे? सरेंडर होने वाला सरेंडर हुआ, जो सरेंडर हुआ उसका पूर्व जन्म का कोई हिसाब किताब है तब सरेंडर हो पाया, या बिना हिसाब किताब भी सरेंडर हो गया? पूर्व जन्मों का कोई न कोई हिसाब किताब है जिसके आधार पर वो नजदीक पहुंच गया, और उनका हिसाब किताब है कि वो चाहते हुए भी नजदीक नहीं पहुंच पा रहे। फिर एक बात और, जो सरेंडर हो गए वो सरेंडर होने के बावजूद भी भगवान की अवज्ञा करते हैं, सेवा नहीं करते, बैठे बैठे खाते रहते हैं, और ही लड़ाई झगड़ा करते हैं, और ही धमचक्कर मचाते हैं, और गृहस्थ में रहने वाले ज्यादा सेवा करते हैं, ज्यादा बाप के प्यारे होकर के पार्ट बजाते हैं, और ज्यादा श्रीमत पर चलते हैं, ये भी हिसाब किताब பூர்வ ஜென்மத்தோட இதனால வந்து சரண்டர் ஆயிடுறா, சரண்டர் ஆயிட்டும் அவன் பாபா சுழப்புல ஃபுல்லா நடக்க மாட்டேங்கிறான், இங்க உள்ளுக்குள்ள வந்துட்டு அவன் சண்டை சச்சிருந்த அந்த மாதிரி இருக்கான், அப்பா அவனோட இது இல்ல சர்வீஸும் ஒன்றும் பண்ணுறது, ஆனால் கிரகஸ்தத்தில் இருக்கிறவன் வீட்டில் இருந்துகிட்டு பகவானுடைய சர்வீஸ் நல்லா பண்ணுறான், வீட்டில் இருந்தால் பகவானுக்கு வேண்டிய சர்வீஸ் நல்லா பண்ணா ரெண்டு பேருக்கும் பலன் இதுவாக தான். இஸ்லிய பாபான் முரளி மீ ரகசிய கி பாத் பதா தி, कभी फीलिंग मत आओ कि ये सरेंडर हो गए और हम सरेंडर नहीं, नहीं हुए, हम गृहस्थ के बंधन में बंधे हुए। एक रहस्य की बात बताइए, अंदर वाले रह जाएंगे बाहर वाले ले जाएंगे, माने जो सरेंडर हैं वो अंदर वाले हो गए, वो अवज्ञा करते हैं, कीमत पर नहीं चलते, धन चक्कर मचाते हैं, है डिस सर्विस करते हैं, अंत में क्या रिजल्ट होगा? वो बाबा के पास नहीं रहेंगे, और जो दूर है घरगस्त रहने वाले वो श्रीमत में चलते हैं, ज्यादा सेवा करते हैं, ज्यादा बाप को प्यारे हैं, इसलिए अंत में वो आ जाएंगे और वो चले जाएंगे। बाबा कहीं सरेंडर आना वाला सुन वाले बड़ी पूरा बाबा अच्छा उल्लूक ओनू सर पड़ मे பாபாக்கு வேண்டிய சர்வீஸ் எதுவும் பண்ணதில்ல, அதுக்கு பாபா உள்ளே இருக்கிறவா இருந்துருவா வெளியில இருக்கிறவா கொண்டு போயிடுவான்னு முரளியில ஒரு இது சொல்லியிருக்காரு, அப்போ வெளியில இருக்கவா நல்லா சர்வீஸ் பண்ணி இந்த பாபாக்கு பக்கத்துல வந்துருவா, கடைசியில உள்ள இருக்கிறவா அடிச்சுவா உள்ளுக்குள்ள வளர் பக்கத்துல வர முடியாது, அவர் தூரக்க போயிடுவா. பேசிக் நாலேஜ் மே ஐசா ஹுவா கி நீ ஹுவா, பேசிக் மே பிகே மே ஜப் ஹம் தே तो वहाँ भी बीके की जो पढ़ाई पढ़ी बेसिक नॉलेज की, उसमें ये रिजल्ट आया कि नहीं आया? अंदर वाले रह गए, सरेंडर वाले रह गए, और जो घरगस्त में रहने वाले थे वो यहाँ बैठे हुए हैं। बीके भगवान 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 ऐसे यहाँ एडवांस में भी होगा
அவங்க சரீரத்தோட போறதில்ல, நம்ம சரீரத்தோட போறதுனால உயர்ந்த நிலை இல்ல. நம்ம சரீரத்தை பகவான தெரிஞ்சுக்கணும். பக்கத்துல இருந்து இப்ப படிக்கிறோம், அவர் சரீரம் இருக்கா படிக்கிறதுக்கு, அவர் பிரவேசமணி தான் படிக்கிறது. அதோட அப்பா நம்ம தான் உயர்ந்தோம். கேக்கணுமா बाबा? इस भाई का जो ये प्रश्न है, जो विराट रूप है ना, विराट रूप अंत में जो साक्षात्कार के रूप में दिखाई पड़ा दिखाएगा, जो ज्ञानियों को अलग दिखाई पड़ेगा या दिखाएगा, और भक्तों को अलग दिखाई पड़ेगा क्या? भगवान अभी गुप्त पाठ बजा रहा है कि प्रत्यक्ष पाठ बजा रहा है? गुप्त पाठ बजा रहा है, गुप्त पाठ बजा रहा है, इसलिए दिखाई नहीं पड़ता कि ये भगवान है। अभी छोटे रूप में है या बड़े रूप में है? छोटे रूप, छोटे रूप में है, तो अर्जुन को पता ही नहीं चलता ये भगवान है। फिर जब बड़ा विकराल रूप धारण करता है, अरे विराट रूप बच्चों बाबा सर मोहन भगवान बनता है, मोहन भगवान चिन्ह रूप से काम चुका, अयो भगवान लिए नहीं, भक्तों के लिए अलग दिखाई पड़ेगा, ये तो ज्ञानियों को अलग दिखाई, तो पहचानते ही नहीं है बाबा। एक माता जी पूछती है, भारत में ना उन लोग ही सूर्य उठती है क्या? नहीं, फॉरिन में रहते उन लोग सूर्य उठती है, उन लोग धरती धरा के भट्टी करके जाते हैं, उन लोग सूर्य उठती नहीं बन सकते क्या? जो विदेश में पैदा हुए, क्या विदेशी खून में जाके पैदा हुए, दूसरे देश में जाके पैदा हुए, दूसरे धर्म में जन्म लिया, वो आखिरी जन्म में कहाँ गए? नीचे गए ना। मान लो कोई इस आखिरी जन्म में मुसलमान बन गया, जाके मुसलमान धर्म में चला गया, तो कन्वर्ट हुआ कहा जाएगा ही नहीं? उसे जन्म ले तो कैसे कन्वर्ट हुआ? जन्म हुआ, जन्म लेने वाला कन्वर्ट नहीं हुआ, पूर्व जन्म का कोई हिसाब किताब नहीं है, तभी तो कन्वर्ट हुआ, ऐसे ही कन्वर्ट हो गया। हिसाब किताब है, कन्वर्ट हुआ, लेकिन फिर हम देख रहे हैं कि ज्ञान में आ गया और ज्ञान में सीखा जा रहा है, जो पुराने पुराने हैं उनसे मुकाबले ज्यादा सीखा जा रहा है, ज्यादा सेवा कर रहा है, तो ये साबित होता है कि जो ज्ञान में आते समय एक सेकंड में जिसकी बुद्धि में बात बैठ जाती है, वो हमारे गुरु है। अगर बात बैठने में टाइम लगता है तो हमारे कुल का அவன் வந்து எப்படி இருக்கு? இப்ப வந்து ஒரு முஸ்லீம் இருக்கான், முஸ்லீம் ஆகட்டும் முதல்ல அவன் கன்வெர்ட் ஆயிருக்காங்க, அவன் இங்க வந்துட்டு ஞானத்தை கேட்கறான், ஞானத்தை கேட்டு ஒரே கேட்கல கேட்டு பாபா புரிஞ்சுக்கிட்டு வந்து ஞானத்தை எடுத்து சீக்கிரமா அவன் போனாக்க அவன் வந்து நம்ம குழந்தை. இப்போ அந்த மாதிரி முஸ்லீம் ஒருத்தர் கேட்டுட்டு இருக்காங்க, பட் அவங்க வீட்டுல வந்து ஏத்துக்கிறது கிடையாது, கண்டிப்பா அவங்க வட்டிக்கு அனுப்புறதும் கிடையாது, அந்த பொண்ணுதான் குடும்பத்தையும் பாத்துக்கிறான், ஒரு இஷ்டியை தான் அம்மாவை பார்த்துட்டு அந்த மாதிரி. मुस्लिम कन्या है, मुस्लिम हो तो उसको ये मान लेते हैं बाबा को, लेकिन उसका घर में मानती नहीं है, फिर वो जाके भट्टी भी करने को नहीं मिलेगी, उसको घर भी वो ये संभालना पड़ता है, फिर उसका क्या होगा?
तो उसकी हिम्मत की बात है। अगर ज्ञान पूरा बुद्धि में बैठ गया, 18 साल की उम्र हो गई, पढ़ी लिखी है, उसका डेट बर्थ डेट का सर्टिफिकेट भी है, तो जब बुद्धि में बात बैठ जाएगी तो कभी उड़ जाएगी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। 18 बुद्धि में ज्ञान बैठ जाता है वो ये नहीं देखता कि सवाल कन्याओं की जिम्मेवारी नहीं होती है माँ बाप की सम्मान करना। जो भी घर में दूसरे संबंधी हैं, जो भी लोग हैं, उनकी उनका काम है संभाल करना, बच्चियों का काम संभाल करना नहीं है परिवार की। नहीं बाबा, वो कन्या को पिताजी नहीं है, भाई हो या न हो, दूसरे दूसरे संबंधी तो है, उनका फर्ज बनता है। भाई लोग है, भाई नहीं देखता है, जो भाई लोग हैं साथ में, जो जन्म लिया देखभाल नहीं कर रहा माता जी। माँ को लड़का है, लड़का देखभाल नहीं करता है, माँ को लड़का है और लड़का देखभाल नहीं करता, माँ को पति है और पति देखभाल नहीं करता, इसीलिए क्या किया जाए? पाप किसके ऊपर चढ़ेगा? लड़के के ऊपर चढ़ेगा, पति जो है पति के ऊपर पाप चढ़ेगा, बच्चे के ऊपर पाप चढ़ेगा, जो भी मित्र संबंधी है, जो भी उसके बड़े भाई है लौकिक जीवन के, उनका फर्ज बन जाता है उनकी संभाल करे। बाबा सुना रहे भाई इकार कुछ और जिम्मेवार பத்தி இருந்து பாப்பா அவருக்கு பாக்காத போனா அவங்களுக்கு பாப்போம் பாவம் பத்தி இல்லை. இப்ப பாய் இருக்காருல, அவங்களோட கூட பிறந்த பாய் இருக்காருல, அந்த அம்மாவுக்கு அந்த குழந்தைய அவர் இருந்தா பிறந்தார் பாபா இருந்தா அவங்களுக்கு மேல ஜம்மாவார் வரும். இந்த குழந்தை இருக்காருல குழந்தை கொண்டாது நானும் எடுத்துக்கிட்டுனா பாபா கிட்ட 18 சார் இல்லாம 18 வயதாயிருந்தா பாபா கிட்ட வந்துடும். बाबा ये कन्या एक ये माता जी एक पूछती है, ज्ञान लिया है तो ज्ञान लिया, क्लास में रेगुलर आती है 1 साल से, लेकिन बच्ची करने के लिए उसका माँ पिता जी परमिशन नहीं देता है, झूठ बोलते उधर आए जैसे बच्ची करने के लिए आए तो करेंगे युक्ति है झूठ वो तो युक्ति निकालो तो पता भी नहीं चले तुम्हारा काम हो जाए, कोई खराब काम करने के लिए थोड़ी करना पड़ रहा है। एक दो तीन चार पाँच, एक माता और चली गई। हाँ, एक दो तीन चार पाँच छः, पांच पांडवों की गीता पाठशाला है। आप बाहर से आए? अविनाशी से आए? वो बाबा एक महीना वो एक महीना सब्जी सर्विस सेवा की है।